इसको नॉन चौक कहते हैं। चाइनीज युद्ध कला में जो आइटम प्रयोग किया जाता है एक स्टिक के द्वारा महाराजी आपको दिखाएंगे किस तरीके से है एक चाइनीज आइटम है वैसे तो, और कैसे युद्ध कला में इससे जो है आप सीख सकते हैं। इसके लिए मगर इसको थोड़ा सा बैठ के देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगे। हाँ, इनको बैठा दीजिएगा, बैठ जाइए, क्योंकि खड़े को दिखाई नहीं देगा। आज विद्यालय में बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ताकि वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। और ये जो आइटम है हमारे दर्शक लोग तो जानते ही हैं ये है क्या चीज़, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर दिखाएंगे ताकि बच्चों के लिए आत्मरक्षा और व्यायाम इत्यादि से थोड़ा लगाव हो सकते हैं। ये प्लस टू तक का विद्यालय है, यहाँ हम ये काम फर्स कर रहे हैं, तो वहाँ के बच्चों से भी बच्चे बहन से देखेंगे। आप देख सकते हैं बालिकाएँ जो हैं शिक्षक बन गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं जितने हमारे YouTube के दर्शक हैं कि इस कला में हम समय समय पर जो है प्रोत्साहन देते हैं बच्चों के लिए, मजा आएगा बच्चों के लिए भी जो है। खुल गया? हाँ सर। आज जितने हमारे छात्र हैं छात्राएं हैं और उत्तर माध्यमिक विद्यालय और इस विद्यालय में शासा चलती हुए आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं युद्ध कला में भी पारंगत रहा हूँ जिसको मार्शल आर्ट्स भी कहते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि महात्मा गिरी में पड़ गए तो फिर जो है मार्शल आर्ट्स वाली चीज़ें थोड़ा साइड कर दिया, क्योंकि भगवान का भजन करें ऊपर वाले का कि पहलवानी करें, लेकिन कभी कभी पुराना वायरस आ जाता है जवान बच्चों को देख करके ताकि उनको प्रेरणा मिले। क्या मिले जी? तो प्रेरणा के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अब आप ये मत कहना आप क्यों नहीं कह रहे महाराज जी, जो देखिए साधु मोटे मोटे पेट वाले जो हैं ये साधु वाधु नहीं है, सवाधु हैं। भगवान का भजन करने वाला चाहे हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, वो तो गोसा नसीनी में बैठ करके इबादतें इलाही करता है, माने अकेले में बैठ करके वो अपनी लगन लगाता है। उसके लिए ना लाउड स्पीकर से मतलब है, ना हारमोनियम से मतलब है, ना मजीरा बजाने से मतलब है। जो परमात्मा की वास्तव में पूजा पाठ की साधना करने वाला व्यक्ति है, और तमाशा तो दोनों ही कर रहे हैं, हिंदू भी जम के तमाशा कर रहा है, मुसलमान भी खूब कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं हमारे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो है इसका ये ब्रूस ली चाइना का जो फाइटर था बहुत बड़ा हो सकता है। इसको आप लाठी की तरह भी यूज कर सकते हैं। और जो कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों पे हंसने का काम करते हैं। हाँ जी, ठीक है।